प्रयागराज में लोगों ने दिखाई दरिया दिली और बाढ़ में फंसे कुत्तों को बचाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। गंगा यमुना में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ का पानी शहर में घुस गया है, निचले इलाके में पानी घरों में घुस गया है। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। वहीं पशुओं की जान जा रही है, उसकी देखभाल के लिए कोई उपाय नहीं हो पा रहा है। प्रयागराज के कुछ लोगों ने इस भयानक बाढ़ में एक अच्छा मिसाल पेश किया। कुछ कुत्ते बाढ़ में फंस गए तो अपनी जान बचाने के लिए तैरते तैरते एक घर में चले गए, लेकिन घर से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सारे कुत्ते घर में फंस गए। घर बाहर से बंद था। उस घर में विद्यार्थी रहते थे जो बाढ़ की वजह से घर बंद करके चले गए थे। जब कुत्ते परेशान होकर भौंकने लगे तो पड़ोसियों को पता चला कि घर में कुत्ते फंसे हुए हैं। फिर मकान मालिक को सूचना दी गई। मकान मालिक उस भयंकर बाढ़ में नाव लेकर आए और कुछ लोगों की मदद से कुत्तों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। समस्या ये थी कि गेट के अंदर से 4-5 कुत्ते घुस गए थे घर में और बहुत चिल्ला रहे थे। 2-3 दिन से भूखे प्यासे थे और लड़के स्टूडेंट थे, चले गए बंद करके, उसी में फंसे रह गए। तो अभी पड़ोसियों ने फ़ोन किया कि आपके यहाँ कुत्ता है, तो हम लोग इसीलिए नाव के सहारे आए। अभी चारों जानवर जैसे आप देख रहे हैं, पीछे चारों को हम लोग ने निकाला। अब इसको किनारे छोड़ेंगे किसी तरह, और काफ़ी मेहनत के बाद ये बाहर आए हैं। और 3 घंटा कम से कम नाव के लिए इंतज़ार करना पड़ा, तब हमें नाव मिली है आने के लिए। हम सुबह 12 बजे से खड़े हैं, 3 बजे हमें नाव मिली है। प्रशासन की इसमें थोड़ा ढिलाई है। लोग काफ़ी लोग जो छत पे अपने घरों में हैं वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई चीज़ सुविधा नहीं मिली, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा है। ये मैं अपील करूंगा कि प्रशासन इसको संज्ञान में ले और देखे कि क्या किसी को समस्या है, उनकी समस्या का समाधान करे। नाम मेरा सहबाज अहमद। इस घटना ने सभी का दिल जीत लिया। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।